हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, वो महान है, जीवित है, उसकी करुणा सदा की है, अपरंपार है, अनंत काल की उसकी करुणा है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी मुसीबत में हैं, समस्या में हैं, बीमारी में ग्रस्त हैं, यदि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, आप यहोवा जिला और जिंदा परमेश्वर के पास आए हैं, उस परमेश्वर के पास आए हैं जो महान है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में, तकलीफ़ में, समस्याओं में, गरीबी में, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में, डरे हुए, घबराए हुए, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा। आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे हृदय की, तेरे मन की बात को ही जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, परमेश्वर जानता है। आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी परेशानियों को आज हमारा परमेश्वर खत्म कर देगा। आज आपको यीशु मसीह से बोलना है जो जीवित है, जो महान है। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे लोग चिंता में चले जाते हैं, आज अब किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, वो महान है। यीशु मसीह से बोलो। यीशु मसीह ने कहा है, तुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं मैं जानता हूँ, मैं नहीं दूंगा, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट संकेती में हैं, तो मैं आज आपसे बता रहा हूँ, यदि आप पिता के पास आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, तो निश्चय ही पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु नासरी आपको छुड़ाएगा, आपको नया जीवन देगा, अमर जीवन देगा। ऐसा जीवन परमेश्वर देता है जो एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, तीन दिन का नहीं, चार दिन का नहीं, पाँच दिन का नहीं, हजार साल का नहीं, अनंत काल का जीवन दिया है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छा है। ए मेरी बेटियों, ए मेरे बेटो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो जो मांगना है। आज आपको पिता परमेश्वर से बोलना है, पाप गुनाह से, व्यभिचार से दूर रहना है, हर गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगेंगे, हाथ पर जोड़ेंगे उस परमेश्वर के आगे और तौबा करिए, पश्चाताप करो उस परमेश्वर के सामने जिसकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को पूरा सुने। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि वीडियो अच्छा लगे, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते, स्वागत करते हैं। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, तारीफ करते, जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर जो हम सभी से पाप, गुनाह, गलतियां हैं, मेरे परमेश्वर आप माफ़ करें, क्षमा करें। मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है पिता कि आप हमारे पापों को, गुनाहों को, अधर्म को क्षमा कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह करें। मेरे परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को मिटाइए। मेरे परमेश्वर, हे पिता, मैं विनती करता, उद्धार करता यीशु राजा। हे मेरे बाप, मैं आपसे प्रार्थना करता यीशु पापा, जो बीमार हैं, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं मेरे परमेश्वर, जो नहीं ठीक हो रहे, जो नहीं चंगे हो पा रहे, जो नहीं आजाद हो पा रहे, जो बीमारियों में जकड़े, गलटिया, रसोलिया, पथरिया, कैंसर में लिप्त है मेरे परमेश्वर। हे रब्बी, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, चंगी हो जाए मेरे पिता। किसी के पास मेरे प्रभु इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि वे अपना इलाज करा सके। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। आपकी बीमारियाँ जा चुकी है सुनासी के नाम में,
जिन्हें गिल्टी यार सोलिया पथरिया बीमारियां टाइफाइड डेंगू मलेरिया मेरे परमेश्वर हर प्रकार की तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से अभी इसी वक्त जाए मेरे परमेश्वर ये चंगे हो जाए आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है जो कराए धरा के बंधन है जादू टोना के बंधन है परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है फूट है विधर्म है डा है मतवालापन है मेरे परमेश्वर में डांटता हूँ गंदी आत्माओं को अय दुष्ट आत्माओं गंदी आत्माओं बदुरी आत्माओं मन में व्यभिचार डालने की गंदी आत्मा हो लड़ाई झगड़ा डालने की गंदी आत्मा हो बाहर आ जाओ और जाओ इनके जीवन से मेरे परमेश्वर आजाद हो जाए हर एक जादू टोना को मैं जला देता हूँ मैं राख कर देता हूँ मैं जला देता हूँ जादू टोना को मैं जलाता हूँ गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ गंदी आत्माओं को ऐ दुष्ट आत्माओं गंदी आत्माओं इनके शरीर से इनके जीवन से भाग यीशु नासरी के नाम में भाग यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर ये चंगे हो जाए ये रिहा हो जाए आजाद हो जाए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जिन बहनों को बच्चे नहीं होते मेरे परमेश्वर जो तमाम इलाज करा चुके मेरे परमेश्वर 10 साल से 20 साल से 12 साल से मेरे परमेश्वर इन्हीं बच्चे की आशीष नहीं मिल रही मेरे पिता यीशु राजा यीशु पापा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर इन्हें बच्चे की आशीष मिले परमेश्वर गर्भ का फल आने पाए वो फूल उगने पाए बच्चे की आशीष आने पाए मेरे परमेश्वर के बच्चों को आशीष दे मेरे परमेश्वर मेरे पिता आशीषों से भरे मेरे परम जो गरीब हैं जो लाचार हैं मेरे पिता जो कमाने नहीं पिता जो 100-200 रुपये पर पिता इधर उधार ले रहे हाथ फैला रहे मेरे परमेश्वर मैं चाहता मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे परमेश्वर मैं आपसे मांगता ढूंढता खटखटाता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जो गरीब है जो लाचार है जो कमाने लिए नहीं मेरे परमेश्वर जो 100-200 रुपये पर पिता उधार ले रहे पिता सहायता मांग रहे मेरे परमेश्वर ये किसी से सहायता उधार ना ले नहीं पाए मेरे पिता ये आपके पीछा मेरे पिता आप इनकी तंगी को आप इनकी परेशानी को आप इनकी गरीबी को दूर करिए मेरे परमेश्वर ये चंगे हो जाइए आजाद हो जाइए यीशु नासरी के नाम में ये बदल जाए इनका घराना बदल जाए यीशु नासरी के नाम में मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए परमेश्वर जो जॉब के लिए नौकरी की तलाश में उधर भटक रहे मेरे परमेश्वर ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर इन्हें नौकरी के साथ ब्लेस करता हूँ इन्हें नौकरियों के साथ ब्लेस करता हूँ ये ब्लेस हो जाए ब्लेस हो जाए ब्लेस विल बी इन द नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में जो कर्ज में जो बोझ में दबे जो कर्ज में लिप्त है मेरे परमेश्वर इनका कर्ज जाए मेरे परमेश्वर इनका कर्ज अदा करने वाले परमेश्वर हे रब्बी हे परमेश्वर हे राजाओं के राजा मेरे पिता मैं आपसे विनती करता हूँ इनका कर्ज जाए मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जिन घर में काला जादू परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा बदुर आत्मा जो इनकी आशीष को चुराती हैं जो खा रहे हैं आशीष को ऐ दुष्ट आत्माओं आशीष को खाने वाली चुराने वाली गंदी आत्माओं भाग यीशु नासरी के नाम में भाग यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से इनके घर से इनके लाइफ से इनके जीवन से आप भी इस वक्त उखड़ो उखड़ो अधोलोक पाताल में जाओ मेरे परमेश्वर ये आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जिन बुद्धियों को दुष्ट आत्माओं ने भ्रष्ट करके रखा है लड़ाई झगड़े डाल के रखी परिवार में मेरे परमेश्वर मैं डांटता हूँ गंदी आत्माओं को आए लड़ाई झगड़ा डालने की गंदी आत्माओं वे विचार में डालने की गंदी आत्माओं बाग डट यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर ये फलवंत हो नहीं पाए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह बहन रात में नहीं सो पाता है जंटा लगता भलगता परमेश्वर आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे परमेश्वर मुझे आशा विश्वास से अपने प्राणों को सुना है ये छोटी स्मृति उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं सुने और कबूल करेगा बोलो आमीन आमीन।